खान साहब के साथ जब भी मैं बैठता हूँ तो इनसे बहुत कुछ सीखने को ही मिलता है, क्योंकि मेरे बड़े हैं, बड़े भाई हैं और बहुत रिस्पेक्टेड और बहुत सीनियर हैं, और इनके साथ जो मज़ा आता है वो मुझे बहुत रियर मज़ा आता है शायद, क्योंकि इनके साथ मुझे कुछ बजाने में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो ये और यही बात मेरी यही बात है कि जब भी इनके साथ में बैठता हूँ तो मुझे अपने आप को मैं इतना कंफर्टेबल होता हूँ कि मुझे लगता है कि नहीं मैं कुछ और भी कर सकता। और ये अंदर की ट्यूनिंग होती है, जैसे आप सब लोग समझदार लोग सब देख रहे हैं गाने बजाने वाले, कि ये जो ट्यूनिंग है अंदर की, एक दूसरे की रूह को समझना और उसी टाइम कुछ क्रिएट करना और सम पे आना, सम पे अगर आ जाए दोनों इकट्ठे तो बहुत बड़ी बात है। और ये भी बात है कि ये प्री प्लान कुछ भी नहीं होता हमारा, बस आए अभी अभी हम 5 मिनट पहले मिले हैं तो हमारे इतनी मोहब्बत है आपस में तो आके बस बैठे फटाफट। तो अगर कुछ गलती, कुछ वैसे तो गलतियाँ होती हैं, हो जाए तो माफ करें हमें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, और मेरे लिए दुआ करें। मैं बता दूँ कि मैंने भागवत साहब जो हैं ये उस्ताद जनाब तारिक खान साहब, आप सब लोग जानते हैं, उनके शागिर्द हैं और उनके बहुत ही लाडले शागिर्द हैं, क्योंकि बहुत अच्छा बजाते हैं और उनको भी इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। और आई होप आप देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा बजा रहे हैं, कोशिश। और ये बस आप लोग दुआ करें, ये मेरा छोटा भाई है, इसके लिए भी बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से भी और आप सब भी दुआएं करते हैं। और ईद की आपको बार बार हम मुबारक दे रहे हैं कि जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बस ईद सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम गाने बजाने के साथ, आज गाना बजाना है ईद के लिए। गजल आपकी मदद कर रहे हैं, thank you.
सबका। और मुझे लग रहा है कि मुझे काफ़ी फरमाइशें भी आ रही होंगी और आज थोड़ा सा कुछ अपना भी मैं आपको सुनाऊंगा और जो आपकी फरमाइशें हैं वो भी मैं पूरी करूँगा।
दिल की बात लबों तक ला अब तक हम दुख सहते दिल की बात लबों दिल की बात लबों तक लाकर अब तक हम दुख सहते हमने सुना है इस बस्ती में दिल वाले भी रहते एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा नहीं दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते कंपोजिशन आप बहुत प्यार देते हैं उस रिजल्ट को आपने देखा
से देखा उसने क्या सब लोग भी इंजॉय कर रहे हैं भाई, मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और मेरे साथ मनी बिल्कुल बहुत इंजॉय कर रहा है, आप सब भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आई होप आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो एक गजल सुना नहीं कि हाँ। और भी इस गजल को गाता है, लेकिन मुझे बड़ी प्यारी लगती है, मैं भी फर्स्ट टाइम ये गजल, ये मेरी भी फरमाइश है, ये इनकी फरमाइश बिल्कुल। Yeah.
सात मिनट और हैं। तो एक गजल पंजाबी मैं आपकी नजर करना चाहूँगा। कह रहे हैं वॉइस क्लियर नहीं आ रही थोड़ी। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? हाँ, रीकनेक्ट हुआ ऐसी वापस कनेक्ट हुआ है। उन पूछ लो ना कि उन क्लियर आ रही थोड़ी। उन थोड़ा क्लियर आ रहे हैं जी, मैंने दस दियो प्लीज अगर क्लियर आ रही है तो। आवाज क्लियर आ रही है आप सबको? मुझे बताइए प्लीज।
ਗਈ ਸੀ, ਸਾਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।
मेरी तरफ से और मनी भारद्वाज की तरफ से आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरे से बहुत ज़्यादा गलतियाँ गुस्ताखियाँ हो गई होंगी बजाते हुए, कोई भी है तो माफ़ करिएगा। ये कोशिश ही है क्योंकि इतना मुश्किल काम है, बिल्कुल कुछ भी हमारा फिक्स नहीं होता, अगर कुछ इधर उधर हो भी जाता है तो ये म्यूजिक आपको पता आप हमें माफ करिए, इतनी बड़ी चीज़ है म्यूजिक का कोई वो कुछ नहीं है। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें। और वंस अगेन आप सभी को ईद मुबारक हो। अपना अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू। थैंक यू।